पर सर, कल यूपीएल के इंसिडेंट पर, फिर मैनेजमेंट क्लेरिफिकेशन पर आपकी प्रतिक्रिया और इस स्टॉक पे आपकी अप्रोच क्या होगी? गुड मॉर्निंग वरिंदर, आपको भी, हेमंत को भी। और देखिए, अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो यूपीएल हैज बीन एन एक्सलेंट शेयर, लेकिन दो कॉन्ट्रोवर्सीज है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आई जिसके ऊपर ऑडिटर की प्रॉब्लम थी, अब आ गई कि देर इज सम विसल ब्लोअर, देर कैनॉट बी अ फायर विदाउट, देर कैनॉट बी स्मोक विदाउट अ फायर। अब इस समय जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो तो गंग हो है इंडिया पे। आप कोई भी नेगेटिव ले आइए, फिर भी पॉजिटिव में टर्न कर देंगे। सो कॉशन, ऐसे टाइम पे जब मार्केट यहां पे हमें लग रहा है फटीक दिखा रही है, यू शुड बी इन क्वालिटी नेम्स। जहां क्वेश्चनेबल है, इट वुड बी बेटर इफ यू स्टे अवे। लेट द फायर ब्लो अवे, देन यू कैन हैव अ री लुक। आई एग्री, एग्रोकेमिकल इज अ वेरी गुड स्पेस, बट वी आर ओवरवेट ऑन रैलीज रादर देन यूपीएल। हमें लगता है यहां पे ये ओवर इंस्टीट्यूशनल ओन्ड है, एंड देर कैन बी मोर मर्की बिजनेसेस विच कैन कम आउट। आई डोंट स्टैंड टू बी अ जज व्हाट द राइट और रॉन्ग इज, बट लाइक आई सेड, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले एट 13.5। आई एम वेरी कॉशियस ऑन द मार्केट। मैं वरिंदर फियरफुल हूं इस समय, ग्रीडी नहीं हूं। तो मुझको ग्रीड अगर चलनी है तो रैलीज इंडिया लूं या कोई और सेक्टर लूं जहां मुझे ज्यादा विजिबिलिटी दिखती है। बढ़िया, आपने बताया, मजा आ गया आपके एनालिसिस सुनकर भसीन साहब। तो रैलिस जैसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए अगर इसी स्पेस पे आपको बैट करना है। यूपीएल को दूर रखिए, ये राय बिल्कुल क्लियर कट है। बाब चलिए, कौन कौन से स्टॉक्स हैं भसीन साहब जो आपको अच्छे लगते हैं इस भाव पर, अपने ट्रेडिंग आइडिया शेयर करिए प्लीज। तो हेमंत जी देखिए, आपके यहां मैंने अबाउट एक मंथ पहले आपको बहुत जोर से कहा था यस बैंक 12 रुपए में, आपको मेरे को बहुत पसंद है। 25-30 रुपए 50 रुपए भी हो जाए 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं। अब वो 21 रुपए हो गया, अगर आपने लिया है उस समय तो प्रॉफिट भी बुक कीजिए। जेपी मैंने आपको 2.5-3 पे कहा, आज उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात आ रही है, 7 रुपए हो गया। अगर 10 रुपए जाए तो आपको 3 गुना पैसा हो गया। तो मार्केट्स आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, बट हेमंत जी मैं फियरफुल हूं इस समय। मुझे ग्रीड नहीं दिख रही, मुझे फियर दिख रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में एक बहुत बड़ी करेक्शन है जो 700-800 पॉइंट आएगी, उसके बाद हम चेष्टा करेंगे। अभी के लिए मेरे टॉप पिक्स, मेरे कन्विक्शन है जो मैं आपको 3-4 दिन से, 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं, डाबर टॉप पिक, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ITC एंड मैकडॉवल। और ये नाम्स मैंने कंसिस्टेंट रहा हूं चाहे इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब मुझे लगता है इनका आउट परफॉर्मेंस है। ऑटोज, NBFCs एंड सेलेक्ट मेटल्स, बी केयरफुल। तो आई एम नॉट बींग नेगेटिव पर्सन, मैं यही कह रहा हूं कि 13,500 पे कंफर्ट लेवल बहुत कम है। अगर आप कैश रेस करें और 12,700-12,800 आ जाए मार्केट, जो मुझे अनुमान है कि थर्ड वीक में आ सकती है दिसंबर की, तो आपको एक मौका मिलेगा। उस दौरान ये कंज्यूमर नेम्स मुझे बहुत बुलिश है और इन पे हमारा ओवरवेट है एज ए डिस्क्लोजर।